किसी जंगल में टूनी चिड़िया और बल्लू कबूतर नाम के पति पत्नी रहते थे और एक दिन उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और बल्लू टूनी से कहता है, ए टूनी, अब मैं तेरा कितना खर्च उठाऊं? तू तो रोज ही बीमार हो जाती है और अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है। तो बल्लू, अब मैं क्या करूं? पर डॉक्टर ने बोल दिया है कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं, अब तू चली जा यहाँ से। तू अब यहाँ पर नहीं रहेगी और अब मैं किसी और लड़की से शादी कर लूँगा। पर बल्लू, मैं अब कहाँ जाऊंगी और तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया? तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नहीं, अब तू चली जा इस घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बल्लू, तुम जैसा मेरे साथ कर रहे हो भगवान ना तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और अब टूनी बल्लू के घर से चली जाती है और एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? और अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं उनके पास चली जाती, पर अब तो मेरे पास वो भी नहीं है। और फिर एक दिन टूनी की सहेली सोनी उसके घोंसले में आ जाती है। अरे सोनी, तू यहाँ कैसे? अरे टूनी, जब मेरे को पता लगा कि तुझे घर से निकाल दिया है तो मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई। अरे टूनी, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। हाँ हाँ सोनी, वो तो ठीक है, पर मैं अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करूँगी यहाँ पर, और मैं कहाँ से खाऊंगी? हाँ टूनी, वो तो ठीक है, पर मेरे पास तेरे लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या सोनी? टूनी, तू अपनी एक चाट पापड़ी की दुकान खोले, और यहाँ आसपास में कोई चाट पापड़ी की दुकान भी नहीं है। हाँ सोनी, तेरा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, पर मैं दुकान कहाँ से लाऊंगी? टूनी, उसका सलूशन भी है मेरे पास। वो जो कालू सेठ है ना, उसने अपनी दुकान को किराए पर देना है। तू उसकी दुकान को किराए पर ले ले और अपना धंधा शुरू कर दे। हाँ सोनी, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, और मैं कल से अपना काम शुरू कर दूंगी। अगले दिन टूनी ने अपनी एक चाट पापड़ी की दुकान खोल ली और ग्राहक भी आने शुरू हो गए और धीरे धीरे टूनी ने अपने धंधे को और बड़ा कर लिया। उसने अपने धंधे में दिन रात मेहनत की और एक खुद का घर खरीद लिया और टूनी चिड़िया बहुत पैसे कमाने लग गई।